बली के तौर पे है, अपराधी के तौर पे आपकी छवि प्रस्तुत की जाती है। आपने बड़ा आज आंकड़ों के साथ बात की है, तो रिंदलाल जी क्या है, किसान है, नेता है, क्या है? रीतलाल यादव उस शख्स का नाम है जो पत्तल भी उतारने की जरूरत पड़ेगा तो उठाएंगे सब लोग के साथ ही मिलकर, कपड़ा भी धोने की जरूरत पड़ेगा तो सब लोग के साथ धो सकते हैं, कुदाल भी चलाने की आवश्यकता पड़ेगा तो कुदाल भी चला सकते हैं, लाठी चलाने की आवश्यकता पड़ेगा तो लाठी भी चला सकते हैं। स्वाभिमान से खेलने के बाद अगर जो किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाने के लिए तैयार। किसान आंदोलन को लेकर काफी आपका आक्रोश दिखा है, तो क्या कहेंगे इस पर, आप लोग किस तरीके से इसको काउंटर करेंगे? देखिए, मेरा राज्य जो रहा है शुरू से कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन दुख तब होता है जब प्रधान के नाम पर हम लोग जाने जाते हैं लेकिन फिर भी हम लोग 50वां नंबर है दुनिया। इसका कारण क्या है? किसान को व्यवस्थित नहीं करना, किसान के साथ छल करना, किसान का जो हक है उसको गौण रखना, चुराना, छले हुए दिल से बात करना। अगर जो हम सभी भाई बंधु इस मुहिम में शामिल हो तो मेरे तरफ से उन सब भाई बंधु को धन्यवाद रहेगा। आपको इतना समय कब मिला? आप बड़ी आंकड़ा के साथ लोगों के साथ बात कर रहे थे, देश विदेश के आंकड़ों के साथ, आपको समय कब मिलता है इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने का? समय किसी के पास होता नहीं, व्यस्त कोई आदमी होता नहीं, लेकिन अपने आप में दिखाने के लिए लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है। और ये अपना पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग ये सब काम करते हैं, तो रितलाल यादव नहीं करता है। रितलाल यादव कर्म पे विश्वास करता है, काम पे विश्वास करता है, लोगों की आवश्यकता अनुसार अपने जेहन में सोचने का काम करता है। आप क्या नेता है, किसान है, क्या है आज के डेट में, आप क्या ज्यादा? जिस रूप में देखना चाहेंगे उसी रूप में आपको रितलाल यादव मिल जाएगा। अभी जिस तरीके से आपने आंकड़ा पेश किया है और जिस प्रकार से आपको लिया जाता है बाहुबली और अपराधी के रूप में, और आज जनता ने चुन करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो कौन सा बेहतर लगता था, पहले वाला या अभी वाला, या लोग जो बाहुबली कहते हैं वो अच्छा लगता है? ना मेरा कल का समय खराब था, ना आज का समय खराब है, ना सोचते हैं कि आने वाला समय मेरा कहीं भी खराब होगा। क्या सुनना पसंद करते हैं? बाहुबली थे, आज भी बाहुबली हैं, और जनता चाहेगी तो कल भी हमको बाहुबली मना कर रखेगी। सुशासन की सरकार, अभी लोग दावा करते हैं, कहते हैं कि बाहुबलियों का आज नहीं चलेगा, इस पर कुछ कहिएगा? हमने कभी न सोचा है कि सुशासन का सरकार है, और न कभी सोचा है कि जंगल राज का सरकार है। अपने अपने चलाने का तरीका होता है। जो हमारे बिहार के मुखिया थे, जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, इन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि किस रूप में हम जनता के बीच में सुविधा परोसे और उन लोगों के बीच से क्या निकल करके आएगा, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं। अभी जो बिहार में सरकार चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार के लिए हमारे नेता प्रयुक्त मात्रा में है, काफ़ी है हर तरह के जवाब देने के लिए। हमारे नेता के माध्यम से जो भी हम लोग को कार्य दिया गया है बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं हम। डॉक्टर मुकेश भैया।